देखो i बराबर tan जो है 3x 2x sec 2x, पहले sec जो 2x है इसको पहले तुम t मान लो, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2 बार x / 1 dt / dx, तो 2 dx dx वैल्यू कितनी आएगी dt / 2, क्लियर। i बराबर जो आएगा tan क्यूब टी और sec टी डी टी, डी एक्स वैल्यू डी टी बाई टू होगा तो 1/2 आगे अभी भी ये नहीं होगा, इसको तोड़ो पहले टैन को, टैन को टैन को ले सकते हैं टैन स्क्वायर टी टैन टी sec टी डी टी है ना। अब इस वैल्यू क्या ले सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस sec स्क्वायर डी टी, क्लियर। अरे टैन टी sec टी डी टी, अब तुम ऑलरेडी टी मान चले, अब क्या मानोगे sec को क्या मान लेना sec टी को क्या मान लेना u मान लो, क्या मान लो u, u। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा sec का डिफरेंशियल कितना होता है sec x tan x, sec x into tan x, तो इसका कितना आएगा sec टी tan टी और dt फिर दे du, ठीक है। जैसे इधर पर लगेंगे 1 माइनस u स्क्वायर और इतने की पूरी की वैल्यू क्या जाएगी du। अब क्या करना अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना, 1 कर 1 du माइनस इंटीग्रेशन u, अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा u और इसका कितना आएगा u की r 3 अपॉन 3 प्लस c, u की वैल्यू रख देना, u की वैल्यू कितनी आएगी sec t जाएगा और 1 बाय 2 चलना जाएगा 3 प्लस सी, और ये 1 बाय 2 इधर जो चल रहा था वो ऑलरेडी चलता चलेगा। t की वैल्यू फिर से रखेंगे वापस, t की वैल्यू क्या थी r 2 x वापस रख दो, ये यहाँ साइड में आ जाइए 1 upon 2 u की वैल्यू रख देंगे और t की वैल्यू रख देंगे 2x माइनस sec